यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही जैन समाज के चतुर्मास का प्रारंभ हो गया। इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे। सिरसागंज में रविवार को स्थानीय महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ पहुंच। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष श्रद्धालु थे। श्री श्री 1008 श्री विशान सागर जी महाराज एवं विनेश सागर जी महाराज के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा MD जैन इंटर कॉलेज में समापन हुआ, जहाँ पर विधि पूर्वक मंगल कलशों की स्थापना की गई। कार्यक्रम का संचालन व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष जागृत जैन और सोनू जैन अश्वनी जैन ने किया। वहीं पांडाल में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री 108 विश्राम सागर जी महाराज ने कहा कि वर्षा ऋतु होने वाले चतुर्मास में जैन धर्म के साधु संत कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों में मार्च के लिए रुक जाते हैं। वहां पर धर्म उपदेश सत्संग किया करते हैं तथा बताया कि बरसात में सर्वाधिक कीट पतंग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जैन साधुओं के द्वारा जाने अनजाने में हिंसा होने की आशंका हो जाती है, जिसके लिए बचने के लिए 4 माह संयम किया जाता है। इस कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका निभालों में दोनों जैन राकेश जैन संदीप जैन अंकुश जैन मनोज जैन राजू जैन राजीव कुमार जैन संजीव मुखिया मोहित जैन गौरव रावत मुकेश सचिन दानी अमित कोल्ड आदि मौजूद रहे। सूर्य प्रताप सिंह सिरसागंज फिरोजाबाद समाचार 24। सिरसागंज के इतिहास में 16 वर्षों के बाद वर्षा योग हो रहा है। हम लोग यद्यपि हर वर्ष वर्षा योग करते हैं और वर्षा योग करने का अर्थ है बरसात के समय जीवों की उत्पत्ति प्रबलता से यानी विशेष रूप से बढ़ती है। उसे जीव की हिंसा को बचाने के लिए अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। हम लोगों के 28 मूलगुण हुआ करते हैं, 28 मूलगुण होते हैं। 28 मूलगुण की रक्षा की दृष्टि से 28 मूलगुण में अहिंसा महाव्रत होता है। जहाँ अहिंसा महाव्रत है वहीं सब व्रत है। यद्यपि अन्य धर्मों में भी वैदिक धर्मों में महाभारत में रामायण में सभी में कहा गया है जहाँ अहिंसा व्रत है वहाँ सब कुछ है, जहाँ हिंसा है वहाँ कुछ भी नहीं है। अतः अहिंसा व्रत की विशेष रूप से रक्षा की दृष्टि से हम लोग चातुर्मास किया करते हैं। तो आज के दिन हमारे लिए यहाँ सिरसागंज में वर्षा योग की स्थापना हो रही है। कलश आदि जो विराजमान होते हैं वह कलश तो मात्र निमित्त है, श्रावक की दृष्टि से है। हम लोग अपनी भक्ति किया करते हैं और भक्ति करके वर्षा योग की स्थापना करते हैं। इसमें स्वाध्याय आदि की विशेषता होती है, यम संयम नियम का विशेष रूप से पालन होता है और जीवों की हिंसा की रक्षा होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं देखते हैं कि बरसात के समय जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से होती है बहुत ज़्यादा, और सभी लोग समझते हैं विषय कि वास्तव में जीवों की हिंसा होती है। इस दृष्टिकोण को लेकर के सभी साधु संत वैदिक धर्म में वैष्णव धर्म में भी बहुत सारे साधु वर्षा योग किया करते हैं और इसलिए करते हैं जिससे जीवों की रक्षा हो। इसी दृष्टिकोण के लेकर के आज वर्षा योग का कार्यक्रम सिरसागंज वाले विशेष रूप से युवा वर्ग समिति के लोग समाज के लोग विशेष रूप से उत्साह के साथ यह कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए मेरा सभी लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद है।